असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ हम जो उस नावल पढ़ने जा रहे हैं उस नावल का नाम है द चौक जिसको मिलान कुंदरा ने लिखा है मिलान कुंडेरा एक चेक बॉर्न फ्रेंच ऑथर है जो कि 1975 में ईस्टर्न ब्लॉक में चले गए थे और इन्होंने 1984 एटी फोर के ड्यूरेशन के अंदर एक रिमार्केबल वर्क पब्लिश करवाया था जो कि इनका बेस्ट नोन वर्क कंसिडर होता है उस वर्क का नाम है द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बींग अगर हम इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने जो प्राइजेस वन किए थे उनमें यूरोम प्राइज़ आ जाता है द ऑस्ट्रियन स्टेट प्राइज़ आ जाता है फॉर यूरोपियन लिटरेचर इसके अलावा इनको इंटरनेशनल हर्डर प्राइज़ भी मिला था और मल्टीपल टाइम्स इनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है इनके टेन मेजर नॉवल्स जो पब्लिश करवाए गए थे 1967 से 2014 के ड्यूरेशन के अंदर उनके नेम्स जो हैं वो है द अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बींग जो कि 1984 में पब्लिश हुआ था फिर है द जॉक जो कि 1967 में पब्लिश हुआ था फिर है द बुक ऑफ लाट लाफ्टर एंड फॉर जो कि 1979 में पब्लिश हुआ था इमोर्टेलिटी इनका वर्क है जो कि 1990 में पब्लिश हुआ था लाफेबल लव्स जो कि 1969 में पब्लिश हुआ था लाइफ इज एल्स जो कि 1973 में पब्लिश हुआ था और इसके अलावा इग्नोरेंस जो कि 2000 में पब्लिश हुआ था फिर आइडेंटिटी 1998 में पब्लिश हुआ था द फेयरवेल वर्ल्ड्स नाइनटीन में पब्लिश हुआ टेस्टामेंट्स पिट्रेट 1993 में पब्लिश हुआ और इसके अलावा ही राइटर ने बहुत से वर्क्स लिखे हैं और फिर राइटर ने नावल के अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर भी काम किया हुआ है और पोइट्री के ऊपर भी काम किया हुआ है इनके फोर प्लेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं और उन प्लेस में से नंबर वन प्ले है वह है जेकुस एंड हीज़ मास्टर जो कि नाइनटीन सेवेंटी वन में पब्लिश हुआ और इनका मास्टर पीस कंसिडर किया जाता है इसके अलावा राइटर ने इसके अलावा राइटर ने एसेज भी लिखे हैं बहुत से चेकपोर्न राइटर होने की बेस पे जो हमारे राइटर है वो चेकस लैकियन काउंट किए जाते हैं और वन ऑफ द यूरोप ग्रेटेस्ट कंटेम्प्रेरी राइटर्स भी कंसिडर किए जाते हैं इनका लव हेट रिलेशनशिप दिखाया जाता है कम्युनिज्म के साथ इन्होंने 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था लेकिन एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ करने की बेस पर इनको 1950 फिफ्टी पे एक्सपेल्ट कर दिया गया था और इसी के बाद इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है एक नोवेल जर्ट में लिखा है जिसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश के अंदर द जोक और इसी नोवेल को हम लोगों ने इस बुक के अंदर डिस्कवर करना है सॉरी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है नाइनटीन में इनको री एडमिटेड किया गया था लेकिन नाइनटीन में इनको फिर से एक्सपेल कर दिया गया था इनके बहुत से वर्क्स जो थे वो सारे के सारे पॉलिटिकल कमेंट्री पे बेस करते थे लेकिन अपने पॉलिटिकल इन्वॉलमेंट के अलावा राइटर चाहते थे कि इनको लिटरेरी नावलिस के बेस पे ना जाना जाए ना कि पॉलिटिकल नावलिस के बेस पे इसलिए इन्होंने 1979 में अपनी जो पॉलिटिकल कमेंट्री थी उसको स्टॉप करके अपना जो फोकस था डिफ़रेंट फलोसफिकल आइडियाज़ के ऊपर करना शुरू कर दिया था अब हमने जो नावल डिस्कस करना है वो है द जॉक द जॉक जो है नाइनटीन में पब्लिश होता है और इसके अंदर जो स्टोरी दिखाई गई है वो सारी सारी की सारी स्टोरी लुडविक जैन नाम का काटर है उसके जो अराउंड है वो रिवॉल्व कर रही है एक सार्किस्टिक मैन दिखाया गया है जो कि प्रोन टू जोक्स दिखाया गया है और ये इतने जोक करता है और इसके जोक जो हैं इसके लिए लाइक भारी बन जाते हैं और इसकी लाइफ भी खुद इसके लिए एक जोक बन के रह जाती है इसके एक जोक की बेस पे कैसे इसका एक जोक इसकी लाइफ को जोक बना के रख देता है वो हम लोग समरी में देखेंगे और स्टोरी में दिखाया गया है कि जो इसके लाइफ के इवेंट्स हैं उन लाइफ के इवेंट्स के अंदर किस तरह से जो इसका मिलना जुलना दूसरे करेक्टर्स के साथ होता है उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है और किस तरह से जो इसके एक्शंस हैं जो इसके अराउंड होते हैं उनको किस तरह से अफेक्ट करते हैं जो नॉवल है वो इसके लाइफ के इवेंट्स को टिल द एज ऑफ थर्टी सेवन कवर कर है डिफरेंट प्रस्पेक्टिव के साथ उसमें फोर परस्पेक्टिव जो हमारे पास आते हैं वो है एक जॉन का खुद का और दूसरे थ्री पीपल हैं जो कि इससे कॉन्टेक्ट में आते हैं वो है एक हलीना जो कि इसके स्टोरी को बताती है एक है हमारे पास कोस्टका का, का करैक्टर एक हमारे पास है जरोस लैफ का करैक्टर तो इन फोर परस्पेक्टिव के थ्रू जो नॉवल है वो नरेट किया गया हुआ है जो बुक है ये एक स्वेयर सटायर है ऑफ द अप्रेसिव नेचर ऑफ चेक कम्युनिस्ट पार्टी जो चेक कम्युनिस्ट पार्टी थी उनकी जो अप्रेसिव नेचर थी उसके ऊपर सटायर किया गया हुआ इस बुक के अंदर कम्युनिज्म क्या होता है कम्युनिज्म में टोटल कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी दिखाया जाता है मीन्स टू से टोटल कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का और जब ये कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था उस ड्यूरेशन में रूस और अमेरिका की एक कोल्ड वॉर हुई थी इनका कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग इलेक्शंस नहीं करवाएंगे एक डोमिनेंट पार्टी आएगी और पार्टी आकर अपना एक लीडर चूज करेगी और इसके अलावा कम्युनिज्म ये कहता है कि इकोनॉमी वाइज जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो सब के सब स्टेट के अंडर होंगे जो गवर्नमेंट है वो उनको नेशनलाइज़ कर लेगी बेशक वो ज़मीन हो बेशक वो इंडस्ट्रीज़ हो फैक्ट्रीज़ हो जो भी हो सब कुछ स्टेट के अंदर आएगी मींस गवर्नमेंट ही चलाएगी उसको जो गवर्नमेंट कहेगी वही करना है आपने गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता फॉर एग्जांपल अगर आपके माय पास माइंड में एक आइडिया है आके आपने एक चेयर बनानी है चेयर का आपके पास माइंड में आइडिया है लेकिन अब तक तक वो आइडिया परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपको गवर्नमेंट परमिशन ना दे दे और जो काम करना है इस कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर तो वह काम हर कोई अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग करेगा लेकिन उसको रिवॉर्ड जो मिलेगा ना रिवॉर्ड उसको उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग मिलेगा और इसके अलावा कम्युनिज्म का ना जो मोटो है ना वो ये है कि रोटी कपड़ा और मकान मींस घर हो खाना हो पीना हो जितने भी रिहाइश के सामान है ना ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो जितने भी लोग हैं गरीब हैं अमीर हैं जहाँ पर भी रहते हैं रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं उन सबको ये चीज़ें प्रोवाइड करें और इनका जो मेन फोकस है ना वो ये होता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाज़त नहीं देते प्राइवेट प्रॉपर्टी मींस आपकी ओनरशिप की फॉर एग्जांपल ये घर है तो ये मेरी ओनरशिप में है तो नहीं ये परमिशन नहीं देता कम्युनिज्म कि आपकी अपनी कोई ओनरशिप नहीं है सारी ओनरशिप स्टेट की है पार्टी की है इन सिंपलेस्ट वर्ड सारी ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की है फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़मींदार आदमी है उसके पास ज़मीन है वहाँ पे पचास लोग काम कर रहे हैं तो जब वो पचास लोग काम कर रहे हैं और जब जो प्रोडक्शन की है ना तो फिर ज़मींदार आदमी की ये ड्यूटी हुई कि वो प्रोडक्शन को पचास के पचास लोगों के अंदर उनके काम के मुताबिक बराबर का तकसीम करेगा इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिज्म है ना ये सोशलिज्म की हार्डेस्ट फॉर्म है सारा कुछ ही इसमें गवर्नमेंट के अंडर है तो ये तो हो गया ना कि कम्युनिस्ट पार्टी किसे कहते हैं कम्युनिज्म किसे कहते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को फर्दर थीमेटिकली बात करें हम लोग तो एक्सप्लोर करती है ह्यूमरलेस नेचर ऑफ ईस्टर्न ब्लॉक अथोरिएटेरिज्म तो जो ईस्टर्न ब्लॉक की ह्यूमरलेस नेचर दिखाई गई है ना अथोरियटेरिज्म की वो इसके अंदर एक्सप्लोर किया जाता है इसके साथ साथ एज़ वेल एज द वेज इन विच स्मॉल एक्शंस कैन स्पायरल थ्रू अ लाइफ टाइम इसके अलावा जो ये बुक है ये ट्वेंटी सेंचुरी का मिड ट्वेंटी सेंचुरी का ईस्टर्न यूरोपियन लिटरेचर का वन ऑफ द डिफाइनिंग वर्क्स कंसिडर किया जाता है इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन फर्स्ट ट्रांसलेट की थी इंग्लिश की वो 1969 सिक्सटी नाइन में की गई थी लेकिन कंदेरा ने एक क्रिटिकल ट्रांसलेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी फर्दर जो कि एक फेथफुल वैयर अकाउंट होता है इसका वो 1982 में पब्लिश हुआ था मीस टू से 1969 में इसको ऑलरेडी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी फिर जो हमारा राइटर था उसने फर्दर अपने क्रिटिकल व्यू दिए थे ट्रांसलेसन को लेकर और एक फेथफुल फेटफुल वर्जन जो था ना वो उसको रीशूट करवाया था 1982 में 1969 में इसको फिल्म के तौर पर अडाप्ट किया गया था और इसको जर्मोल जॉयस ने इसको अडाप्ट किया था लेकिन जब वार्सा पैक्ट हुआ था वार्सा पैक्ट इन्वियन ने इसको बैन करवा दिया था जो कि एक और इप्रेसिव पॉलिसीज दिखाई गई थी कंट्री के अंदर इट्स वोर्स एपैक्ट का मोटो ये था यूनियन ऑफ पीस एंड सोशलिज्म जो कि एक ट्रिटी ऑफ पीस कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस कहलाता है ये तो थोड़ी सी होगी ना हमारी क्रिटिकल स्टडी अब बात करते हैं हम लोग समरी की अपनी मेन समरी की तरफ आते हैं ये जो नॉवल है ना ये नॉन लीनियर पैटर्न में लिखा गया है और नॉवल की स्टार्टिंग होती है मोरावा नाम के प्लेस में नॉवल तब शुरू होता है जब हमारे पास जो करेक्टर है जैन का वो एंटर होता है अपने होम टाउन मोरावा में विद अ स्पेसिफिक गोल इन माइंड उसके माइंड में एक स्पेसिफिक गोल है और वो अपने गोल के साथ अपने होम टाउन में एंटर हुआ है उसके जो गोल्स हैं वो हार्डली एडमायरेबल है और हीरोइक दिखाए गए हैं और जब ये मोरावा में एंटर होता है और अपने रास्ते में जब जा रहा होता है ना तो रास्ते में ना ये एक औरत को देखता है और वो औरत जो होती है ना ये उसको अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार करता था ठीक है तो जब ये उसको देखता है ना तो अपने पास्ट में चला जाता है जैसे कि मैंने को बताया कि जो स्टोरी है वो नॉन लीनियर सिक्वेंस में लिखी गई है और उस पर जो मेन इवेंट्स बताए गए हैं ना उसकी टीन एज के बताए गए हुए हैं कि जब ये एक बच्चे से एक अडल्ट एज में आने वाला था तब इसके साथ क्या क्या हुआ और जब रीडर इसको समरी को पढ़ रहा होता है यानी कि स्टोरी को पढ़ रहा होता है ना नावल को तो उसको पता लगता है साथ साथ कि इसके साथ पास्ट में ये हुआ था पास्ट में ये हुआ था ठीक है और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी बेस पे ये जो है ना अब प्रेजेंट टाइम में जो आदमी है ना वो कैसे बना था अपने पास्ट की बेस पे तो स्टोरी नॉन लीनियर फैशन में लिखी गई हुई है कि कोई कहते नहीं सीक्वेंस में लिखा जाना सीक्वेंस में स्टोरी नहीं लिखी गई हुई मोस्टली जो स्टोरी है वो पास्ट के अंदर लिखी गई हुई है तो अभी भी क्या हुआ था अभी भी ये हुआ था कि जैन एंटर हुआ था मोरावा में उसका और इसका कोई स्पेसिफिक गोल था इसके माइंड के अंदर और जब ये चल रहा था अपने रास्ते में तो इसने एक औरत को देखा जिससे अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था ठीक है अब इसके बाद चला गया राइटर वापस अपने पास्ट में और जब वो पास्ट में गया ना वो सोचता है कि जब वो टीन एजर था तो उसके पास उसकी जो लाइफ थी वो फुली प्लान्ड थी और उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी इसका नाम था मार्केटा वो मार्केटा को बड़ा पसंद करता था ठीक है और उसके साथ उसने डेटिंग भी की थी और मार्केटा जो थी मार्केटा लॉयल थी सोशलिस्ट पार्टी की फिर कहता था उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चला गया और मैंने यूनिवर्सिटी में ना अप्लाई किया हाई लेवल गवर्नमेंट पोजीशन के लिए मेरी ग्रेजुएशन की बेस पर बताता था कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता था स्मार्ट होता था और उसके बाद ना क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकर था इंडिपेंडेंट थिंकर होने की बेस पर इसको बहुत बड़ा स्कूल में ट्रबल फ़ेस करना पड़े थे क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकर होना ये पार्टी के अंदर ना पार्टी के मेंबर के अमंग इंकरेज नहीं किया जाता था जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कम्युनिज्म का मोटो कहता था सिर्फ गवर्नमेंट करेगी जो भी करेगी अगर आपने कुर्सी बनानी है कुर्सी बनाने का आइडिया माइंड में आया तो गवर्नमेंट ने बताना है आपको ठीक है तो सेम ऐसा ही था यहाँ पर क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकर था तो इंडिपेंडेंट थिंकर होने की बेस पर इसको अपने स्कूल लाइफ में बहुत से ट्रबल्स फेस करना करना पड़े थे क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकर होना इंकरेज नहीं था अमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्टी फिर ये बताता है कि इसकी गर्लफ्रेंड जो कि इसका नाम मार्केटा था जब वो स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के लिए चले गई थी वो स्पेशल ट्रेनिंग कैंप जिसको कम्यूनिटी पार्टी चला रही थी तो वहाँ जाकर ना वो इसको बहुत से राइटर्स लिखा करती थी और लेटर लिख के इसको बताया करती थी कि इसका यहाँ पे कितना अच्छा टाइम गुजर रहा है जितने भी इसने पार्टी के डॉक्टर आए थे उनको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है वो बहुत खुश है इस कैंप के अंदर तो इसी डूरेशन में ना जो हमारा करेक्टर है इसके अंदर मेन जैन वो ना एक पोस्ट कार्ड लिखता है मार्केटा को और उस पोड का पोस्ट कार्ड के अंदर जोक करता है सार्किस्टिक रिमार्क देता है जो कि बिल्कुल पार्टी के अगेंस्ट दिख रहा होता है और जब वो पोस्ट कार्ड के अंदर सार्किस्टिक रिमार्क देता है जो कि पार्टी के अगेंस्ट दिख रहा होता है ना इसके बाद इसको अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से कोई भी लेटर नहीं आता और उसी ड्यूरेशन में जो पार्टी मेम्बर्स होते हैं वो वो पोस्ट कार्ड देख लेते हैं और पोस्ट कार्ड देख कर डिसाइड करते हैं कि जैन जो है ये पार्टी के बिल्कुल अगेंस्ट है और वो उसको एजेक्ट कर देते हैं एजेक्ट कर निकाल देते हैं अपनी पार्टी से और वो इसके जितने भी बेनिफिट्स होते हैं पार्टी को उन्होंने दिए होते हैं जैन को वो भी इससे वापस ले लेते हैं और इसी बेस पे इसको ना सिर्फ पार्टी से निकाला जाता है बल्कि यूनिवर्सिटी से भी निकाला जाता है एंड ही इज़ एंटायर लाइफ डेस्टिनी इज़ वॉश्ड अवे इन मोमेंट्स कैसे उसका एक मज़ाक उसकी ज़िंदगी के लिए मजाक बन गया ना अब इसके बाद अपने आप को री एजुकेशन करने के लिए दोबारा से एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए ना इसको पार्टी ने डिटेंशन के लिए भेज दिया सजा दे दी गई इसको और सज़ा के तौर पर ना इसको प्रिजन माइनर में भेज दिया गया था ठीक है प्रिजन माइंस में ये वो जगह थी जहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो लोग पार्टी के अगेंस्ट जाते थे ना उनको यहाँ पर भेज दिया जाता था उनको वहाँ पर पनिशमेंट दिया करती थी दिया जाती थी और ऐसी ऐसी पनिशमेंट मिलती थी कि इंसान सारी ज़िंदगी याद रखता था और माइंस में जाकर फिर इसने बहुत ज़्यादा काम किया हार्ड लेबर किया और एक हार्ड किस्म की इसको एक्सरसाइज करनी पड़ती थी अंडर अ कमांडर जो कमांडर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और बड़ा रूड रहता था इन, इनके टू वर्ड्स जो भी यहाँ पे होते थे प्रिजनर तो बहरहाल पार्टी का ये बिलीव था कि अगर हार्ड लेबर करेंगे ना तो जो हार्ड लेबर की बेस पे इनके जो नेगेटिव थाट्स हैं अगेंस्ट द तो पार्टी वो सब खत्म हो जाएगी ठीक है इसलिए पार्टी ने इससे बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर करवाया इससे स्ट्रिक्ट एक, एक्सरसाइजिज करवाई और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ये कि पार्टी का यही बिलीफ था कि ये जॉन को सोशलिस्ट बना लेंगे दोबारा से और लॉयल बना लेंगे सोशलिस्ट को सॉरी uh, जॉन को और एक दिन इसको लेबर से जब ब्रेक मिला था तो इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है लूसी और जब ये लूसी को देखते हैं तभी इसको उससे प्यार हो जाता है और ये एडमिट करता है दैट ही इज़ एज मच इन लव विद हर इन द सराउंडिंग्स एज एनीथिंग एल्स ही डज नॉट लव ल्यूसी फॉर हर सेल्फ बट इन स्टिट फॉर दिचुएशन इन विच ही वॉज प्रजेंटेड टू हिम और सब कैंप में होता है डिटेंशन को अपना पूरा कर रहा होता है जैन तो जैन के लिए ल्यूसी ना वहाँ पर फ्लावर्स लेके आती है बुके लेके आती है फ्लावर का और बार्बड फैंस के थ्रू ना वो फ्लावर्स का जो बुके है वो दे देती है जैन को क्योंकि वो एक दोनों को एक दूसरे को देख नहीं सकते और वो जो फेंस होती है उस फेंस के वजह से ठीक है फेंस होती है ना रुकावट जो पि पिंजरा सा होता है जेल से होता है रुकावट सी लगाई होती है जेल की उसकी वजह से ना जो दो, दोनों एक दूसरे के दूर दूर होते हैं ठीक है और सामने एक बाउंड्री ये फेंस की होती है तो उसके बाद क्या होता है दोनों ना बहुत ही कम कम बात करते हैं आपस में क्यों करते हैं क्योंकि इनके पास ब्रेक्स बहुत कम होती हैं यूसी तो बहुत ज़्यादा लॉयल रहती है उसके साथ लव प्रोवाइड करती है तो उसका जो लॉयल्टी और लव होता है ना ये होप देता है इसको डिफिल डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर जेन को ये जब भी मिलते हैं इसने कभी भी उससे नहीं पूछा कि उसका मतलब बैकग्राउंड क्या है ठीक है इसने कभी उसको उसकी पर्सनल स्टोरी को जानने की कोशिश नहीं की बस इसका ये बिलीफ था कि जो ल्यूसी है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए आई है और इसी के लिए एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड के अंदर फिर इसके बाद इनकी मुलाकात होती है और ये अपने रिलेशनशिप को कंज्यूमेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो है ल्यूसी वो इसको धक्का दे देती है और कहती है कि मतलब हम लोग फर्दर एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे और कहता है कि ल्यूसी भी मुझे छोड़कर चले गई थी मीन्स वन मोर जोक ठीक है ल्यूसी इसको छोड़कर चले गई थी वहां पर और इन्होंने आपस में कभी भी उसके बाद बात नहीं की दैट इज द लास्ट दे स्पीक टू ईच अदर तो कहते हैं इसके बाद जब मैं माइंड से रिलीज कर दिया गया था ठीक है मेरी जो डिटेंशन थी वो खत्म हो चुकी थी मैंने अपनी पनिशमेंट पूरी कर ली थी तो कहता है मैंने फिर कोशिश की थी कि मैं अपने लिए ना एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूं ठीक है अपना एक नया स्टार्ट लूं लेकिन मैं हेज़िटेंट था किस बेस पे हेजिटेंट था इस बेस पे कि जो इसके लास्ट टू रिलेशनशिप थे किस तरह एंडेड हो गए और दोनों में इसको डिजेस्टर फील करना पड़ा दोनों ने इसकी लाइफ को जोक बना के रख दिया था लेकिन ऐ नहीं वापस आके इसने अपना करियर जो था एज अ साइंटिस्ट स्टार्ट कर दिया था लेकिन इसके अंदर एक गुस्सा था एक आग थी एक बदला लेना चाहता था ये और ये बदला कैसा बदला इस चीज़ का कि जो पार्टी ने इसके साथ ट्रीटमेंट किया इसको ह्यूमिलेट किया इसको एक्सप्लोइ किया ये उस चीज़ का बदला लेना चाहता था पार्टी से तो फिर एक प्लान करता है प्लान क्या करता है कहता है कि ना मैं जो ना बदला लूँगा पैटल जमेनिक से किस तरह से यह करता है इसको अपॉरचुनिटी मिलती है कि पैटल जेमोनिक की वाइफ है हेलना ठीक है ये उसके साथ मिलता है और उससे रिलेशनशिप बना लेता है अपना अब ये पेटल जेमनिक कौन था ये एक सोशलिस्ट पार्टी ऑफिशियल था जिसने इसका ट्रायल कंडक्ट किया था और इसको एक्सप्लोइट किया था तो कहता है मैं इसकी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा मैं उसको एक्सप्लोइट करूंगा और इससे क्या होगा जो पेटल जेमनिक है वो भी एक्सप्लोइट हो जाएगा तो क्या करता है ये हेलेना से बातें करना शुरू कर देता है हेलेना और ये दोनों क्लोज हो जाते हैं और उसके बाद इसे ड्यूस करता है और उसके बाद क्या होता है जो हेलेना होती है वो कहती है मैं पैटल के साथ नहीं रहना चाहती वो उसको डिवोर्स की बात करती है तो पैटल और हेलेना दोनों के ऑलरेडी मैरिज के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था और दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते थे पैटल तो पहले चाहता था कि वो उससे डाइवोर्स हेलेना से छोड़ कर चले जाए दूर हो जाए तो जब ये बात लगती है हमारे इस करेक्टर जैन को तो जैन बड़ा परेशान होता है इस चीज़ के ऊपर भी कि ये तो मैं ये मैंने क्या किया मैं तो इससे बदला लेने के लिए आता था लेकिन बदला लेने की बजाय मैंने तो इसी के लिए इसकी मदद कर दी मैंने तो इसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय इसकी इसकी वाइफ से जान छुड़वा दी और ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ हेलेना को डिस्ट्रॉट कर देती है उसको भी डिस्ट्रॉट कर देती है कि जैन तो बड़ा उदास होता है इस चीज़ के ऊपर और लेकिन जब हेलेना को पता लगता है कि इसने तो मुझे यूज़ किया है तो इस बेस पे हेलेना जो है सुसाइड कमिट कर लेती है और वो मर जाती है और जैन फिर से डिस्टर्ब रहता है और इन द एंड जैन रियलाइज़ करता है दैट इज़ इंटायर लाइफ हैज़ बीन अ जोक एंड अटली फ्रूटलेस और उसके बाद फिर से जो जैन है वो अकेला रह जाता है तो यहाँ पे हुई हमारी स्टोरी कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी स्टोरी की स्टोरी पसंद आई तो लाइक करिएगा कमेंट में बताइएगा स्टोरी कैसे लगी आपको इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड यस yes, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो दुआओं में खास याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़